नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिंपी कालरा। तो हालांकि आज बाजार फिर से एक नए लेवल्स की तरफ पहुंच सकता है, बहुत सारी बातें इस बीच मार्केट में हो रही हैं। कई लोग ये कहते हैं कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है, ग्लोबल मार्केट से ये समझ में आता है कि कोरिया ने फिर से एक मिसाइल टेस्ट कर लिया, लेकिन भारत में मानसून की सौगात भी दिख सकती है, आज केरल में आ सकता है। हालांकि दिल्ली में तो प्री मानसून पहले आ चुका है। बिल्कुल, दिल्ली में प्री मानसून शावर्स ऑलरेडी देखे जा रहे हैं, आज भी वही मौसम है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है डिम्पी कि पिछला हफ्ता एक हिस्टोरिक हफ्ता था, नए हाइस पर इंडियन मार्केट्स पहुंचे और शायद ये पार्टी आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखे। क्योंकि देखिए, आपने नॉर्थ कोरिया की बात की, यूएस की बात की, लेकिन अभी जो घरेलू स्तर पर ही फैक्टर्स है ना, वही मार्केट को ड्राइव करेंगे। उसमें सबसे बड़ा तो मानसून ही है। मानसून प्रोग्रेस को मार्केट्स काफी क्रूशली वॉच करेंगे। अर्निंग्स हुए, साथ साथ जीडीपी के नंबर्स भी इस हफ्ते आने हैं, तो ये कुछ क्रूशियल फैक्टर्स रहेंगे। ये सारे क्रूशियल फैक्टर तो हैं, लेकिन जो सवाल है ना निवेशकों के, वो भी बड़े क्रूशियल हैं कि अब क्या किया जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए या रखा जाए। ये सवाल 9200 पे भी था, ये सवाल 9500 9600 पे भी है, लेकिन सवाल की डेंसिटी बदलती चलती है। 9200 पे क्या खरीदा जाए, इसमें सिर्फ ये पता करना था कि कौन सा बॉटम बन चुका है, किसको बाय करना है। 9600 पे क्या खरीदा जाए जो अभी नहीं चला, जिसके चलने की उम्मीद है, सिर्फ ये सवाल का तरीका बदल जाएगा। सवाल जस का तस है। 10,000 पे भी यही पूछा जाएगा कि क्या खरीदा जाए और क्या बेचा जाए। ये सवाल तो जेनरिक है, ये तो रहेगा ही, लेकिन सिर्फ क्वांटम बदलना है। इसलिए जी बिजनेस इस बदलते हुए तस्वीर आपके सामने रखेगा और आज सिर्फ हम इस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि 9600 पे खड़े होके हमको करना क्या है। पहले एक बार संकेत आपके सामने चल रहे हैं, वो आप देखिए, मिले जुले ग्लोबल संकेत है, तो ये तो आपके लिए बाजार के लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर है नहीं। वैसे भी तीन बाजार बंद है, आपको इससे ज्यादा चिंता होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा, इस हफ्ते करीब 2000 बड़ी कंपनीज के नतीजे आने हैं, 7 तो निफ्टी की कंपनी जिसके आज ही नंबर्स आ जाएंगे, तो 2000 कंपनीज के अभी भी नतीजे बाकी हैं, तो रिजल्ट्स का सेशन अभी भी चलेगा आगे। डीआईज एफआईज की खरीदारी, ये डीआईज की तरफ से 1000 करोड़ की, और ये शुभ आंकड़ा है, 1008 जो कि डीआईज की तरफ से खरीदारी का होता है वो दिखा है, और एफआईज की तरफ से 274 करोड़ की बिकवाली हुई है। जीएसटी, मानसून, ऑटो और कॉमोडिटीज, ये चार ऐसे सेगमेंट होंगे जिससे बाजार चलेगा। दीपाली, आपको ध्यान है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना है, ये जून सीरीज पूरा जीएसटी भुनाएगा और साथ ही मानसून का। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट्स की आज लिस्टिंग भी होने वाली है, छोटी कंपनी है लेकिन सब्सक्रिप्शन अच्छा आ गया था, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, इसलिए इसकी लिस्टिंग का आज देखना होगा, ये गेन आपको देगी या फिर नहीं देने वाली। बिल्कुल, घरेलू फैक्टर्स इतने स्ट्रांग है कि वो मार्केट को आगे भी फर्दर ड्राइव करेंगे और होप ये करते हैं कि पार्टी आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखे। लेकिन आज की ओपनिंग से पहले फटाफट से देख लेते हैं जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि पिछले सेशन में यूएस मार्केट में एक वॉलेटाइल ट्रेड हुआ और बिल्कुल फ्लैट यूएस इंडाइसेस क्लोज हुए। तीनों इंडाइसेस का अगर आप रुझान देखेंगे तो नैसडेक, S&P 500 और डाउ जोन्स तीनों की बिल्कुल फ्लैटेस्ट टोन पर ही क्लोजिंग हुई है। एशियन मार्केट्स का रुझान मिक्स्ड है आज के सेशन में, और जैसे डिम्पी ने भी कहा कि नॉर्थ कोरिया में ने फिर से नौवीं मिसाइल का परीक्षण किया है, आज यूएस, यूके, चीन के मार्केट्स क्लोज हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट्स के फ्रंट पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आज बातचीत करने के लिए, बिल्कुल फ्लैटिश इंडिकेशन ही है और एसएक्स भी बिल्कुल फ्लैट है 9579। और वैसे भी जब तक नॉर्थ कोरिया मिसाइल का टेस्ट कर रहा है ना, मेरे को लगता है भारतीय बाजार अपने भी टेस्ट करता चलेगा, नए रिकॉर्ड। ये पता नहीं कैसा संयोग है कि जब जब नॉर्थ कोरिया कुछ ना कुछ टेस्ट करता है तो भारतीय बाजारों को नया ट्रिगर मिल जाता है नए हाई बनाने का। गौरांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा जय ठक्कर भी जुड़े हैं, जिनसे हम फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू से दोनों से समझेंगे कि आज बाजार के अंदर करना क्या है। गौरांग, शुक्रिया समय देने के लिए। जय, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। और हालांकि मानसून आया नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ना मानसून के छींटे पड़ने लग गए हैं, प्री मानसून बारिश है, आप तक शायद नहीं पहुँच रहे होंगे लेकिन मेरी भावना आप समझिए, आपको मैं गीला कर रहा हूँ इस मानसून के अंदर, ठीक है। अच्छा गौरांग, अब मेरे को आप ये बताइए कि इस समय बाजार के अंदर किया क्या जाए। बड़ी मुश्किल है इस समय ट्रेडर्स के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में, कि 9600 पे लें अभी नहीं लें, करें क्या, आप जरा बताइए, हेल्प कीजिए। शुक्रिया और सुप्रभात सभी को हमारे तरफ से। 9600 के आसपास असमंजस परिस्थिति बनना लाजमी है, और जिस तरीके से हमने सर्वोच्चम स्तर छुआ पिछले हफ्ते शुक्रवार को, जायज़ है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आए बाज़ार में, ये उम्मीद मेरी पिछले 2-3 हफ्ते से है, लेकिन बाज़ार में करेक्शन आता भी है तो बहुत छोटा आता है और रिकवरी भी उतनी तेज़ हो जाती है, और हर छोटी सी गिरावट में आप खरीदारी आते हुए देखते हैं। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, और क्योंकि हम 9600 के स्तर पर खड़े हैं करीबन, और जिस तरीके से घटनाक्रम का जिक्र आप और दीपाली जी अभी कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं मानता हूँ कि
जो वर्ल्ड लीडर्स है उनके आई थिंक संतुलन बना रहे, कोई भी ऐसा कदम कोई ना उठाए जिसको लेकर के विश्व भर में ऐसी परिस्थिति हो कि मार्केट्स को लेकर के करेक्शन आना शुरू हो जाए। मैं मानता हूं कि जोखिम झेलने की क्षमता कम है, तो इस स्तर पर जिस तरीके से हमने क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में स्टॉक्स में ऊपर के तरफ के दायरे देखें, थोड़ा बहुत तो मुनाफा बांध दे, अगर पूरा मुनाफा बांधना नहीं है तो ठीक है, थोड़ा मुनाफा इन स्तरों पर बांध लेना चाहिए। ये गौरांग की राय है। जय ठक्कर भी मौजूद हैं। जय, गुड मॉर्निंग। आज आप निफ्टी पर क्या रेकमेंड करेंगे व्यूवर्स को, करना क्या चाहिए? 9600 पर ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से नई पोजीशंस बनाने का स्कोप कितना लग रहा है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए टारगेट्स क्या हैं आपके? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, यू नो, एक्सपायरी के दिन जो एक मूव देखने मिला और निफ्टी एक 9450 का उसका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, उसे जो हिसाब से निकाल कर यू नो इट वाज इंचिंग हायर टुवर्ड्स 9500 और उसके ऊपर एक्सपायरी देखने मिली, क्लियरली दिखा रहा था कि 96 तक के लेवल्स तो देखने मिलेंगे जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे। और इनफैक्ट वो लेवल्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिले, करीबन 9604 का हमें स्पॉट निफ्टी पर हाई देखने मिला। सो इस समय मेरी ये राय रहेगी कि जो भी ट्रेडर्स ने द लोअर लेवल्स पे बाइंग की है, यहाँ पे एक दफ़े प्रॉफिट बुक करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दीपाली। मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए तो हमारे टारगेट अभी भी 9700 के है, वो इंटैक्ट है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आई थिंक यू नो करीबन 40-50 पॉइंट का अगर थोड़ा भी डिप देखने मिलता है मार्केट में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने मिलेगा मार्केट में, क्योंकि अब जो बेस है ना वो वापस शिफ्ट हो गया है। 93 से 94 था, अब 94 से 9500 का एक बेस बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बेस शिफ्टिंग हो रही है मार्केट के अंदर, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है क्योंकि आप ट्रेलिंग स्टॉपलस लगाएंगे, अभी तक आप घाटे में नहीं होंगे अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉपलस के साथ चले होंगे, क्योंकि बाजार ने ट्रेलिंग स्टॉपलस को हिट ही नहीं किया, बेस बना दिया है। ये दो का व्यू था, लेकिन कहते हैं जजमेंट तब होगा जब तीन लोग हो जाएंगे, यानी कि प्रशांत बंसल भी इस बीच हमने जोड़ लिए हैं, उनका व्यू भी जोड़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी क्लियर पिक्चर दिखे। प्रशांत, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक दो दिन पहले आपसे जब बात हो रही तब भी आप ये कह रहे थे कि बाजार थोड़ा चलेगा, सावधानी के साथ ट्रेड करें, चलेगा ज़रूर। अभी भी बाजार चलेगा या फिर अभी रुक जाएगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। निफ्टी ने फ्राइडे को 95.95 की क्लोजिंग दी। देखिए, हमारा बाजार के ऊपर व्यू बहुत बुलिश व्यू है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो हमारे चार्ट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहे हैं। दूसरी जो चीज हमको थर्सडे को देखने को मिली कि बाजार के अंदर जो रैली आई है वो एक फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर आई है। इससे पिछले 15 दिन के अंदर आपने देखा होगा थोड़े आईटी, थोड़ा फार्मा के स्टॉक्स थोड़े टाइम के लिए चल रहे थे, फिर वो मंदी में आए, लेकिन थर्सडे की तेजी इससे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर्स, तो ये सारे ही स्टॉक्स फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आया। अगर हम डेरिवेटिव्स का भी डेटा देखते हैं तो उसके अंदर जो रेंज शिफ्ट हुई है, जैसे कि जय ने बताया 93 से 94 पे, तो 94 का एक बहुत अच्छा फ्लोर हो गया है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि बाजारों में तेजी बरकरार रहेगी। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखें तो डाउ जॉन्स अपने नियरिंग टू ऑल टाइम हाई है, कैक्स नियरिंग टू ऑल टाइम हाई है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है बाजार ऊपर चलेंगे। ठीक है, बाजार ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स है जो मजबूत होंगे वो अब आपको फटाफट से बता देते हैं। पहले तीन स्टॉक्स हैं जहां पर आज तेजी तय है, ये टॉप फाइव ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला स्टॉक है विवमेड लैब्स का, ये मजबूत हो सकता है क्योंकि नंबर स्ट्रांग आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 80% बड़ी है, इस स्टॉक में आज उछाल आ सकता है, यानी तेजी ऑलमोस्ट तय है। दूसरा शेयर जो रिकमेंड किया जा रहा है वो रहेगा एमएसपी स्टील का, स्टॉक पर आज इंट्राडे में नजर रखकर चले, अगेन अर्निंग्स का इंपैक्ट दिखेगा, एक टर्न अराउंड हुआ है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, मजबूती स्टॉक में दिख सकती है। और तीसरा तेजी वाला शेयर रहेगा एनबीसीसी, अगेन स्ट्रांग अर्निंग्स, स्ट्रांग मोमेंटम में है ये स्टॉक, आज यहाँ भी तेजी बनी रह सकती है। तो तीन तेजी वाले शेयर्स हैं, दो मैं भी बता रहे, तो मंदी वाले शेयर ताकि अपने आपको बैलेंस कर लें। अगर आप कोई शॉर्ट्स खेलना भी चाहते हैं तो रिलायंस कम्युनिकेशन, नतीजे बेहद खराब है, कंपनी के घाटे में लौट आई है, और ये हमको संदीप सुबह बता भी रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ जब ईयरली बेसिस पर कंपनी ने मुनाफे को घाटे को दर्ज किया है, बैलेंस शीट्स में दिखा दिया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलायंस कम्युनिकेशन आज वीक ट्रेड रह सकता है, वैसे भी टूट रहे हैं डीजी के शेयर्स। और लास्ट शेयर होगा अदानी पावर, कंपनी के बेहद खराब नतीजे
नतीजा है, कंपनी मुनाफे से ये भी घाटे में लौट आई है, तो बाजार को पसंद नहीं आता अगर आप मुनाफे से घाटा लेके आए, भले मार्जिन कुछ भी लाए लेकिन जैसे घाटा शब्द आपको दिख जाएगा बाजार को पसंद नहीं आता। ठीक है, तो ये पांच स्टॉक्स हैं, लेकिन फटाफट सब देख लेते हैं डेरिवेटिव का डाटा। आई एम श्योर डीपी 9600 पर निफ्टी है, तो जो डेरिवेटिव डाटा के भी डायनामिक्स हैं वो चेंज हुए होंगे। सबसे पहले ये बताइए कॉल्स कौन से ज्यादा एक्टिव हुई है 9600 के लेवल्स पर पहुंचने के बाद। ठीक है, पहले कॉल्स भी बता देते हैं, आपने कॉल्स पूछने। वैसे एक चीज तो तय है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया ना, ये बात बिल्कुल तय है कि मार्केट का बेस बन चुका है, वो 9400 अब शिफ्ट होकर आ गया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। ये मिस्टर बंसल ने भी कहा है, जय भी कह रहे हैं, ये बात गोरांग भी कह रहे हैं, हमारा भी अपना कैलकुलेशन कहती है। अब ऑप्शंस पे आ जाइए एक बार जरा, 9400 की ही पुट दिखाइए, क्योंकि 9400 जिस बेस के बाद बोल रहे हैं ना, इस बेस के बाद बोल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग कन्विक्शन के साथ है, दम भर के शॉर्ट किया जा रहा है। ये पुट एक अच्छा बेस है यहाँ पे बाजार के लिए। एक बार साथ में दिखाइए 9600 की कॉल भी, मैं दोनों का इसका रीजन बताऊंगा क्यों ये हमने बाजार की रेंज को या फिर रखा है। यहाँ पे 9600 की कॉल के अंदर आप देखिए, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, ये 9600 पे आके हम खड़े हो गए हैं। अगर ये बाजार यहाँ पे आके टिक गया, नहीं भी टिका तो कम से कम 9400 का बेस नहीं ब्रेक करने वाला, ये पुट से क्लियर हो गया। अब 96 के ऊपर चलेगा नहीं चलेगा, आज आप ना इंडेक्स को छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ इसी कॉल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बाजार चलेगा नहीं चलेगा। इंडेक्स 50 कंपनीज का है लेकिन ये निफ्टी की मिरर इमेज है, ठीक है। 9600 की कॉल, इसी कॉल को लगा लीजिए अपने टर्मिनल पे, ये अगर चलेगी बिल्डअप बनेगा, घबराइएगा नहीं, बाजार चल जाएगा। अगर ये कहीं पर रुक गया, ठहर गया, तो बाजार आपको भले 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता दिखेगा, लेकिन जब ज्यादा कन्विक्शन मत रखिएगा। ये जो कॉल आपने पूछा ना, उसका ये पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा जी। वहीं अगर निफ्टी बैंक का स्टैटिस्टिक्स देखिए, क्योंकि हमने देखा था पिछले दो दिनों में थर्सडे के सेशन में निफ्टी बैंक स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा था, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो पार्टिसिपेशन जिस हिसाब से आना चाहिए था वो फ्राइडे को नहीं था। वो आएगा कैसे, क्योंकि निफ्टी के पास तो एक अच्छी चीज है कि उसका कोई ना कोई सेक्टर उसको ऐसे इवेट करता है, ऐसे ले जाता है ऊपर कि वो अपने लेवल्स पे खड़ा हो जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी के दो ही कॉम्पोनेंट है, या तो सरकारी बैंक या तो निजी बैंक, इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है। अब आपके पास सरकारी बैंक अगर नहीं चलेंगे तो निजी बैंक कितना पार्टिसिपेट करेंगे, और सरकारी बैंकों में वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप निफ्टी बैंक का देखिए, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, सिर्फ ताजा खरीदारी लेकिन बेहद कमजोर बिल्डअप के साथ बैंक निफ्टी हमको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसी तरह आप निफ्टी का डाटा देखिए, आपको अलग से पिक्चर दिखने लगेगी। ये जो डाइवर्जन दिख रहा है ना आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक का, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो कैटलिस्ट है वो सरकारी बैंक है। सरकारी बैंकों का सपोर्ट मिलेगा या आउट परफॉर्म करेगा, नहीं मिलेगा अंडर परफॉर्म करेगा। निफ्टी से इसको मत जोड़िएगा प्लीज, बैंक निफ्टी को निफ्टी से मत जोड़िएगा, ये अलग अलग ट्रेड होने के लिए आज बने हैं। एक बार रेंज भी देख लेते हैं, ये मिस ना हो जाए कहीं आपसे। 9540 मार्केट का आज का एक बेस बना हुआ है, और 9650 कहीं ना कहीं ऊपर पे जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नोटिस की है मार्केट के अंदर ही, वो 9400 का बेस है बाजार के पास, ये पुट को हेज कर सकते हैं अगर बाजार में जब भी आपको तेजी मिले, जब भी आपको थोड़ा सा लगे ना मेरे थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या मैं कुछ माइनस का भी ले लूं, ये होती है क्यूरियोसिटी ट्रेडर्स को, तो 9400 की पुट को आप देख सकते हैं। किसी भी तेजी में ये पुट आपको पैसा दे सकती है, और 23200 का एक सपोर्ट, 23500 का एक टारगेट है बैंक निफ्टी का। चलिए, ये डेरिवेटिव डाटा का एनालिसिस था जो कि इंडिकेट यही कर रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। लेवल्स और रेंज आपको बताई गई है, उस पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक्स की, और जो पहला स्टॉक है आज वो रहेगा सन फार्मा का। गौरांग, आपके कमेंट्स लेंगे सन फार्मा पर, नंबर्स वीक रहे हैं, यूएस सेल्स 25% डिप हुई हैं, और पिछले कई सालों में वर्स्ट क्वार्टर कंपनी का ये रहा ही कह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉन कॉल भी की है मैनेजमेंट ने, उसमें वो भी उनको भी नहीं पता कि आगे सोल्यूशन होगा क्या, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल डिटेल्स आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हलोल प्लांट को लेकर अभी भी यूएस एफडीए से उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल उनको मिल नहीं रहा है हलोल प्लांट के लिए। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको वो दूसरी यूनिट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही है कि 500 तक भी स्टॉक जा सकता है या फिर उसके नीचे भी स्लिप हो सकता है, क्योंकि सारे हाउसेस नेगेटिव हैं। आपका व्यू क्या है सन फार्मा पर? दीपाली, मेरे ख्याल से ताजुब नहीं होना चाहिए जिस तरीके के आंकड़े सन फार्मा के हमने देखे, और जो गंभीरता है हलोल के प्लांट को लेकर के, इसके साथ टायरों को लेकर के, और एक गुजरात में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो ज़्यादातर योगदान देते हैं डॉलर टर्म रेवेन्यूज़ में, इस पर काफ़ी कुछ संजीदा सवालिया निशान लगे हुए हैं। और हलोल में तो दो बारी USFDA इंस्पेक्शन होने के पश्चात ऑब्जर्वेशंस फिर से पाए गए हैं और कुछ नए पाए गए हैं।
सबसे कम पसंदीदा स्टॉक होना चाहिए सन फार्मा, फार्मा सेक्टर पर। और एज अ डिस्क्लोजर, हमारी भी जो कवरेज है फार्मा यूनिवर्स में, उसमें सबसे कम पसंदीदा यानी कि आखिरे पायदान पर हमने सन फार्मा को रखा हुआ है। और मैं बिल्कुल यू नो सहमत हूँ जो व्यूज़ कुछ ब्रोकरेज हाउसेज लेकर के आए हैं कि कुछ समय तक, मध्यम से थोड़ी बहुत लंबी अवधि तक, और जब तक जैसे आपने जिक्र किया मैनेजमेंट को ये पता नहीं चलता है कि इनका कैसे यू नो जो नेगेटिविटी थे उनको कैसे सुलझाया जाए, तब तक ये मेरे ख्याल से कंसर्न्स बने रहेंगे और अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। ठीक है, वैसे गौरांग आप सन फार्मा पे भले बाय नहीं करेंगे लेकिन कोई फार्मा शेयर बता तो सकते हैं ना कि जहाँ पे हमको बाय करना है, या फिर वो भी नहीं है कोई शेयर फार्मा में, है ही नहीं कोई शेयर? तो डिम्पी जी कलम और कागज आप रख लीजिए आपके पास। सर मैं रख लिया, मैंने लिस्ट आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फार्मा के बताइए सर, मैंने रख ली है। निवेश की हम राय दे रहे हैं तो अरबिंदो फार्मा है, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ल्यूपिन, सिंजन, बायोकॉन, नैटको फार्मा, स्ट्राइड सैशुन, डॉक्टर रेड्डीज। ठीक है, ठीक, तो सन फार्मा को छोड़ के आपने सब कुछ ही बता दिया सर फिर तो। लेकिन अरबिंदो अरबिंदो फार्मा के नंबर्स भी आने हैं, उसको भी नजर रखकर चलिए। पिछले सेशन में चला भी था, गौरांग की पसंद भी है वॉकहार्ट, स्ट्राइड सैशुन, सिंजन, बायोकॉन, स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं।